तो अप्रॉक्स आपको 1 आवर लगेगा जलियांवाला बाग पूरा वॉक करने में। बहुत सारी मेमोरीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको वेल और जहाँ पर बुलेट मार्क्स है वो सब बताया, और सिस्टर ने आपको हिस्ट्री बताई चुकी थी, और आई गेस आप लोग हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। मॉर्निंग का दिन है, बज रहे हैं 8, और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हमने पहले जाना है जलियांवाला बाग। पहले तो हमने खाना खाना है, हमने ब्रेकफास्ट करना है, बिल्कुल नहीं किया है। नहाएंगे धोएंगे फिर जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे जलियांवाला बाग। देन हमने डबल डेकर बस बुक कराई है, उसकी डिटेल्स वगैरह मैं आपको दूंगी। अब तो बस जा रहे हैं, उठ रहे हैं, एकदम जब नींद मुझे आती नहीं है जब मैं नई जगह पर जाती हूँ, तो बस फ्रेश होके निकलेंगे। जैसे जैसे जो जो होगा आपको अपडेट्स देंगे, ठीक है। तो हम लोग नहा धो के मस्त रेडी होके जा रहे हैं जलियांवाला बाग, पहला हमारा प्लान है। और हम कैसे लग रहे हैं वो आपको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर गर्ल्स, ठीक है। तो सृष्टि कुछ ऐसी लग रही है, पिंकी पू, और सृष्टि मैं कैसे लग रही हूँ वो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी लगी कमेंट करना गाइस, ठीक है। तो ऐसे मतलब आगे तो ऐसे रेडी शेडी होके हम लोग जा रहे हैं मस्त जलियांवाला बाग, और शुभारंभ हो गया हमारे व्लॉग का। कुत्तों ने सृष्टि को चाट चुका है। सो खाना खाने के लिए रुके हैं, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए, बट बहुत रैंडम जगह है, जगह का नाम नहीं पता क्या जगह का नाम है। जलियांवाला बाग की लाइन में ही है, हमें कुलचा दिखा तो हम चूट पड़े, क्योंकि हम कल भी वेट कर रहे थे खाना है, तो फाइनली वी आर ट्राइंग इट, और कैसा होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सो वी आर एट जलियांवाला बाग। यहाँ पर एंट्री जो फीस नहीं है कोई भी, आप फ्री में एंट्री कर सकते हैं, हाँ लेकिन वीडियो बना सकते हैं। मैंने उन लोगों से पूछ लिया था, फनी वीडियोज अलाउड नहीं है, यू कैन मेक वीडियोज दैट्स फाइन। ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के बाद आई हूँ, और इतना मैसिव डेवलपमेंट और इतना चेंज हो गया है। पहले कैसे था, मतलब पहले ये सब ग्रीनरी गार्डन ऐसे मेंटेन नहीं था, बट अब कंपैरेटिवली बहुत अच्छा। इवन आई एम शॉक्ड कि मैं इतने दिन से क्यों नहीं आई थी, देर से कैसे मिस कर दिया मैंने। अच्छा है। नेक्स्ट हम आपको अब यहाँ पे एक वेल दिखाएंगे, जहाँ पे क्या हुआ था 1919 में, जो 13 अप्रैल को बैसाखी पे यहाँ अटैक हुआ था बाय ब्रिटिश सोल्जर्स, तो लोगों ने यहाँ पे वेल था उसमें दे जम्प्ड इनटू दैट वेल टू सेव, कि उनको ये था कि इंस्टेड ऑफ मतलब इन सोल्जर्स के हाथों, ब्रिटिश सोल्जर्स के हाथों मरने से अच्छा है हम लोग जंप कर दें वेल में। तो यहाँ पे वो वेल है जिसके अंदर पता नहीं कितने हजारों लोगों ने जंप करके अपनी शहीदी दी, और बुलेट मार्क्स भी हैं बोल रहे हैं। इवन यहाँ बुलेट मार्क्स है, जो अटैक हुआ था तो जो उन्होंने हर जगह उसको अच्छे से फ्रेम किया है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। सो बहुत अच्छी हिस्ट्री सृष्टि ने बताई, मुझे आइडिया था बट इतना डेप्थ आइडिया नहीं है। तो हम अभी वो वेल देखने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ जस्ट। ओके तो ये वेल है,
हाँ लोग वेल है, यहाँ पर पैसे तक ना अलाउ नहीं है, ठीक है। और अब बंद कर दिया, सृष्टि बोल रही है कि पहले एक ओपन था, मतलब आप देख सकते थे, लेकिन अभी क्लोज कर दिया। अच्छा क्लोज कर दिया यार, और क्या ना, बिकॉज पैसे फेंकने से तो अच्छा ही है, लोग विजुअल बना लेते होंगे फ्री का, और क्या। तो अभी बंद कर दिया, बेटर है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ब्लॉग के थ्रू, तो आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है, मतलब थोड़ा डेप्थ काफ़ी डीप है आई गेस, तो दिख रहा होगा आपको। सो ये वाले जो आपने देखे ना निशान जिन पे बने, वो सारे गोली के मार्क्स हैं। और भी होंगे ना सृष्टि, काफी पहले सृष्टि बोल रही कि खुला हुआ था, बट अभी ओपन कर दिया है, मतलब पहले बंद था ना, मतलब पहले ऐसे टच करते होंगे ना लोग जाके, अभी मतलब कंस्ट्रक्शन कर दिया है आजू बाजू ना। तो अप्रॉक्स आपको 1 आवर लगेगा जलियांवाला बाग पूरा वॉक करने में। बहुत सारी मेमोरीज एंड बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको वेल और जहाँ पर बुलेट मार्क्स है वो सब बताया, और सिस्टर ने आपको हिस्ट्री बताई चुकी थी, और आई गेस आप लोग मुझसे ज़्यादा अवेयर होंगे। तो ये मॉन्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो जस्ट वी आर लीविंग द मार्केट, लीविंग द जलियांवाला बाग एंड गोइंग टू द मार्केट। सो हम देखते हैं क्या शॉपिंग करनी है, उसके बाद हमारा प्लान कुछ ऐसा है, उसके बाद वाघा बॉर्डर जाना है हम लोग को। तो देखते हैं क्या करना है अभी आगे, आगे का आपको प्लान मैं धीरे धीरे बताती रहूँगी। हाँ, हमारा एक्सपीरियंस विद द कुल्चास आर वेरी गुड। तो मेरे को पराठे ओके ओके लगे सृष्टि यार, पराठे ओके थे, मुझे लगा था गोभी की जगह उसने हमें कैबेज के पराठे दे दिए थे, गोभी उसमें थी नहीं, बट कुल्चा वेरी गुड, कुल्चास आर वेरी गुड, स्टफ्ड कुल्चा थे। तो बस यही, और सृष्टि कुछ बोलना चाहेगी तू? बस अब हम डबल डेकर बस में बैठ के बोल। कैसा लगा जलियांवाला बाग देखो? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लेस का, और आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे मतलब ये प्लेस देखने का मौका मिला। इफ़ यू आर इन अमृतसर, गोल्डन टेम्पल के बाद यू मस्ट विजिट जलियांवाला बाग, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। और हम लोग अगेन कुल्फीज की बातें कर रहे हैं, सो वी जस्ट लीविंग द प्लेस एंड गोइंग। हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए, कौन से मार्केट जा रहे हैं जिसके अपने? कटरा जैमलसन मार्केट जा रहे हैं, और आगे देखो भैया हम जा रहे हैं मार्केट, तो देखते हैं वहाँ से क्या खरीदना है। बोलते हैं अच्छा, मतलब होलसेल मार्केट है, शॉप फ्रॉम है। और हाँ, मैं इस वाले रिक्शा में बहुत टाइम बैठी हूँ, बहुत टाइम बाद बैठी हूँ बहुत, तो अब दिखेगा कि नहीं पता नहीं, सिस्टी दिख रही है छोटा सा रिक्शा है।